हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है GIG वसीम चैनल में। एंड आज की इस वीडियो में हम पोको X4 प्रो वर्सेस इन्फिनिक्स शॉट 11S के बीच में फ्री फायर मैक्स का स्पीड टेस्ट भी करेंगे। एंड देखेंगे रैम मैनेजमेंट किसका बेटर है और कौन ज़्यादा आपको एक्सपीरियंस अच्छा प्रोवाइड कर सकता है इस प्राइस रेंज में। वैसे हमने पोको X4 प्रो को 14,000 MAH किया, इन्फिनिक्स का प्राइस आप जानते ही हैं 10,000 के अंडर मिलता है। बाकी दोस्त देखिए वीडियो को एंड तक, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो कहीं ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं एंड वीडियो करते हैं स्टार्ट। सो गाइस, सबसे पहले यहाँ पे करेंगे स्पीड टेस्ट एंड देख लेते हैं कि रिबूट कौन पहले हो जाता है। ओके, तो एक साथ हम यहाँ पे रिबूट करने की फुल्ली कोशिश की एंड फाइनली हमने कर दिया। अब गाइस देखते हैं कि यहाँ पे विनर कौन होता है। 6GB वाला वेरिएंट है हमारे पास पोको, एंड इन्फिनिक्स है हमारे पास 4GB वाला वेरिएंट, एंड 695 प्रोसेसर है, स्नैपड्रैगन का काफ़ी पावरफुल देखने को मिलता है पोको में, एंड G88 जो कि 10,000 के अंदर प्रोसेसर ये देखने को मिल जाता है। अब गाइस यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि पोको X4 प्रो विनर हो गया है। अब गाइस यहाँ रैम को हमने सिंपली क्लियर कर दिया है, एंड गाइस दोनों ही फोन्स को हमने सेम वाईफाई से भी कनेक्ट कर दिया है। अब चलिए गाइस करते हैं स्पीड टेस्ट। सबसे पहले ओपन करेंगे कैलकुलेटर, एंड यहाँ पे दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर है। मतलब अगर स्लो करके देखेंगे तो यहाँ पे पोको थोड़ा सा फास्ट लगेगा, बाकी यहाँ पे कैलेंडर में भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला, काफ़ी ज़्यादा मुझे सिमिलर लगे नॉर्मल आँखों से। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप की तरफ, हमारा कैमरा। एंड यहाँ पे देख सकते हैं पोको X4 प्रो क्लियरली विनर बन जाता है। एंड गाइस यहाँ से फ्रंट में एक्सचेंज करते हैं एंड देखते हैं कि फ्रंट में कौन पहले ओपन करता है। सो यहाँ पे देख सकते हैं पोको X4 प्रो आपको थोड़ा सा फास्ट देखने को मिल जाता है। तो MIUI 13 आउट ऑफ द बॉक्स मतलब बेटर परफॉर्मेंस देता है। बाकी यहाँ पे फाइल मैनेजर में देख सकते हैं ये भी काफ़ी ज़्यादा सिमिलर थे, बट इन्फिनिक्स थोड़ा सा मुझे फास्ट लगा। चलते हैं इस नेक्स्ट ऐप की तरफ, होएगा इस हमारा यहाँ पे मैप्स। एंड यहाँ पे मैप्स में देख सकते हैं X4 प्रो आपको थोड़ा सा पहले लोड किया, बट इन्फिनिक्स काफ़ी ज़्यादा टक्कर दे रहा है भाई इस प्राइस रेंज में आते हुए भी। बाकी यहाँ पे प्ले स्टोर में देख सकते हैं क्लियर विनर यहाँ पे पोको X4 प्रो हो गया। अब चलते हैं इस नेक्स्ट ऐप की तरफ, होएगा इस हमारा सेटिंग। एंड यहाँ पे सेटिंग में भी पोको X4 प्रो आपको थोड़ा सा फास्ट देखने को मिल जाता है। अब चलते हैं इस नेक्स्ट ऐप की तरफ, होएगा इस हमारा यूट्यूब। एंड यहाँ पे यूट्यूब में देख सकते हैं कि इसकी दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर लोड किए, तो यहाँ पे मुझे कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं लगा। बाकी यहाँ पे सर्च कर लेते हैं अपने ही चैनल को GIG वसीम। एंड गाइस यहाँ पे देख लेते हैं कौन पहले सर्च करता है। सो गाइस यहाँ पे देख सकते हैं अभी दोनों काफ़ी ज़्यादा सिमिलर रिसर्च किए। बाकी दोस्त अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्त वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके दोस्त, चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट ऐप की तरफ। सो वो है गाइस हमारा क्रोम। एंड यहाँ पे क्रोम देख सकते हैं पोको X4 प्रो थोड़ा सा फास्ट लोड किया, बट इन्फिनिक्स काफ़ी तेज़ ये भी लोड कर दिया। बाकी अब यहाँ पे फ्री फायर मैक्स को लास्ट ओपन कर लेते हैं। एंड गाइस जैसा कि आपको पता है 695 प्रोसेसर काफ़ी पावरफुल है, बट एक्सपीरियंस कैसा देगा परफॉर्मेंस में, वैसे हमने इसका फ्री फायर टेस्ट भी कर दिया है एंड जो Realme 8 देखने को मिलता है उससे भी कंपेयर कर दिया है। तो अगर आपने वीडियो नहीं चेकआउट किया तो ज़रूर से चेकआउट कर लीजिएगा। बट यहाँ पे देख सकते हैं क्लियर विनर यहाँ पे पोको X4 प्रो हो गया। एंड मतलब इन्फिनिक्स ऑलमोस्ट 10-12 सेकेंड पहले ये लोड कर दिया है, जैसे कि आप यहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं। तो यहाँ पर क्लियर विनर पोको X4 रहा। बाकी दो सब चलिए रैम मैनेजमेंट को देख लेते हैं। सो गाइस यहाँ से चलिए बारी बारी से ओपन करेंगे। सबसे पहले गाइस यहाँ पे कैलकुलेटर यहाँ पे दोनों में ही है। चलते हैं नेक्स्ट गाइस, ये है हमारा, तो यहाँ पे देख सकते हैं कैलेंडर इन्फिनिक्स से निकल चुका है बट X4 प्रो में है। कैमरा कैमरा यहाँ पे इन्फिनिक्स में है बट पोको X4 प्रो से निकल चुका है, जैसे कि आप देख सकते हैं। चलते हैं गाइस नेक्स्ट, वो है गाइस हमारा फाइल मैनेजर। एंड यहाँ पे फाइल मैनेजर इन्फिनिक्स में है बट पोको से निकल चुका है। अब चल देंगे इस नेक्स्ट हमारा मैप्स, एंड मैप्स दोनों में ही देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पे गाइस यूट्यूब नहीं, सेटिंग पहले सेटिंग ओपन करते हैं। एंड गाइस यहाँ पे सेटिंग दोनों में ही देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट गाइस आता है हमारा यूट्यूब, एंड यहाँ पे यूट्यूब दोनों ही रीलोड कर रहे हैं बट वहीं से ला रहे हैं, तो मतलब रैम में है कह सकते हैं ऐसा। अब गाइस यहाँ पे ओपन करेंगे क्रोम, एंड यहाँ पे क्रोम भी दोनों में ही है। अब गाइस यहाँ पे प्ले स्टोर दोनों में ही देखने को मिल जाता है। एंड गाइस यहाँ पे अब आता है हमारा फ्री फायर मैक्स, एंड फ्री फायर मैक्स भी दोनों में ही है। तो रैम मैनेजमेंट दोनों की अच्छी है, एंड पोको X4 प्रो का आउट ऑफ द बॉक्स MIUI 13 के साथ में आता है, तो इसके वजह से गाइस इसका रैम मैनेजमेंट अच्छा है। जो भी अपडेट किए हैं MIUI 13 उसमें गाइस इतना बेटर रैम मैनेजमेंट देखने को नहीं मिलता है। और इन्फिनिक्स को मैं कहूँगा काफ़ी सही परफॉर्म किया भाई, देख सकते हैं मतलब काफ़ी टक्कर दिया 4GB रैम होते हुए भी। पोको X4 प्रो हमारे पास 6GB है, फिर भी गाइस कुछ उतना ही परफॉर्म किया जितना कि इन्फिनिक्स किया, तो मतलब इन्फिनिक्स भी गाइस बेटर वर्क कर रहा है। एंड इस
प्राइस में मतलब कोई भी ब्रांड आपको अच्छा रैम मैनेजमेंट नहीं प्रोवाइड करता है। तो दोस्त फिलहाल वीडियो में इतना ही, जरूर से वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो गाइस मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्त बाय बाय।